गाय 24 कैरेट का सोना भी शुद्ध नहीं होता है। ऐसा क्यों? शुद्ध उसको होना चाहिए, शुद्ध होता है लेकिन शुद्ध नहीं होता है। आप वीडियो के अंत तक बने, वह शुद्ध 24 कैरेट का नहीं होता है, कितना अशुद्धिया उसमें होता है। सोना है जो कितने डिग्री सेल्सियस पर जाकर वह पिघलना प्रारंभ कर देता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर सोना पिघलना प्रारंभ कर देता है? 1000 यानी कि 1064.4 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वहाँ पिघलना प्रारंभ कर देता है, जो कि पूर्ण रूप से पिघलने लगता है। इसलिए आपको ताप दे या बिजली का ताप दे, किसी ताप से वह पिघलना प्रारंभ कर देगा। गोल्ड जो है वह इतना महंगा क्यों है? इसको सस्ता होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखे। जी हाँ, इतना इसलिए महंगा है कि अगर कोई भी सामान यानी कि वस्तु है उसका जनसंख्या कम रहेगा तो उसका रेट बढ़ना ही है। इसी प्रकार सोना है कि इसका जनसंख्या कम मात्रा में पृथ्वी पर अवेलेबल है, जिसके कारण इसका रेट बहुत अधिक है, जो कि आसमान छू। सोना है वही पीला होता है, बाकी कोई धातु क्या पीला नहीं होता है? जी हाँ, पीला तो होता है, जैसे कि पीतल का बर्तन बहुत सारे हैं जो पीला होता है, वह वास्तविक रूप से उस पर बिना लेयर चढ़ाए हुए है। लेकिन उतना महंगा क्यों नहीं बिकता है पीतल या सोना? इसलिए कि सोना का मात्रा तो कम है पृथ्वी पर, लेकिन पीतल का यानी कि पीला होना रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद ही पीतल पीला होता है, जो कि सोना को कोई रासायनिक अभिक्रिया का जो सोना क्या कठोर है या बहुत लचीला है या समान है, इसे कहा जाए तो सोना बहुत लचीला है। या कितना लचीला है? अगर आप 28 ग्राम यानी कि मात्र इतना सा सोना ले, 28 ग्राम का सोना ले, 50 ग्राम से कम ही, मात्र 28 ग्राम हुआ, उस सोने को आप 8 मील यानी कि 8 किलोमीटर तक उससे लंबे तार बना सकते हैं, इतना लचीला है सोना। कितने कितने परसेंट के जो सोने हैं उसे सोना कहा जाता है, बाकी जो है उनको सोना नहीं कहता है, यानी कि चांदी, लोहा, पीतल इन सब भाग में चलता है। सोना का मात्रा होता है लेकिन यह सोना में गिनती नहीं आता है। यहाँ आप जानते हैं 24 कैरेट एकदम राइट यानी कि आप सही हैं, 18 कैरेट ये भी सोना है, 14 कैरेट ये भी सोना है, 10 कैरेट ये भी सोना है, लेकिन अगर 10 कैरेट से कम है तो यह क्या हो जाएगा? यह लोहा, चांदी, पीतल में चले जाएंगे। क्या चांदी, लोहा, पीतल, तांबा इन सब में सोना का मात्रा नहीं होता, यानी गोल्ड का मात्रा जो नहीं होता है, होता है लेकिन कितना होता है कि इसे सोना नहीं कहते हैं। अगर सोना जिसे कहा जाएगा उससे 10 डिग्री से यानी कि 10 कैरेट से अधिक होना चाहिए उसे सोना कह देंगे, अगर 10 कैरेट से कम है तो उसे सोना में गिनती नहीं किया जाता है, इसलिए सोना नहीं होता है। क्या 24 कैरेट का जो सोना होता है उसे कहा जाता है कि यह पूर्ण रूप से शुद्ध है 24 कैरेट सोना? लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि 24 कैरेट का सोना होता है वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, उसे शुद्धिकरण कहता है, लेकिन कितना परसेंट उसमें अशुद्धिकरण होता है 24 कैरेट सोना में? 0.1% जो है उसमें अशुद्धिकरण होता है, यानी कि 24 कैरेट में 99.9% उसमें शुद्ध होता है। गाइज, इंटरनेट को चौंपने के लिए सब यानी कि 5 करोड़ व्यक्तियों तक चौंपने के लिए कितने साल लगे? जैसे कि रेडियो को 5 करोड़ व्यक्तियों के पास पहुंचने के लिए 38 साल लग गए थे एक रेडियो को चौंपने के लिए। टीवी जो आया उस टीवी को चौंपने के लिए 13 वर्ष लग गए थे, 5 करोड़, मात्र 5 करोड़ के लोग के पास पहुंचने के लिए। लेकिन इंटरनेट स्पीड यानी इंटरनेट 5 करोड़ लोग के पास पहुंचने के लिए मात्र 4 साल में इंटरनेट पहुंच गए मात्र 5 करोड़ लोग। गाइज, जीमेल के बारे में कौन सा व्यक्तियों ने आइडिया दिया गूगल को? क्या है गूगल का आइडिया है? नहीं, यहाँ तो परफेक्ट है कि गूगल का आइडिया नहीं है, लेकिन किस व्यक्ति ने गूगल को यहाँ आइडिया दिया कि जीमेल एक अकाउंट खोला जाए जो कि ईमेल को पछाड़ा जा सकता है, या कि जीमेल एक अकाउंट खोला जाए जो कि ईमेल को पछाड़ा जा सकता है? जी हाँ, उनका नाम क्या है? राजन सेठ। राजन सेठ वो कैसे जीमेल को आइडिया बताए? जब वहाँ गूगल कंपनी में गए अपने इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, उस समय इंटरव्यू में वो कहें कि एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। गाइज, गूगल अपना जीमेल यानी जीमेल वहाँ कब लॉन्च किया? जैसे कि ईमेल पहले से लॉन्च हो चुका था, लेकिन जीमेल कब लॉन्च किया? वहाँ 2004 में जीमेल को लॉन्च किए,
जो कि बाद में वहाँ अधिक यानी कम ही समय में जीमेल को चौंपाने के कारण उनका जीमेल बहुत अधिक से पॉपुलर हो गया, जो कि कम ही समय में सभी व्यक्तियों के पास चले गए। मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो।